यादव समाज अपनी सांस्कृतिक और परंपरागत धरोहरों के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में शरद पूर्णिमा के अगले दिन टेसू और झिंझिया की शादी एक अनूठी प्रथा के रूप में मनाई जाती है। जी हाँ, जिसे यादव समाज के लोग आज भी पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार उत्साहपूर्वक मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के बाद यादव समाज के लोग एकत्रित होते हैं और परंपरागत रीति रिवाज से टेसू और झिंझिया की शादी का आयोजन करते हैं। यह विवाह समारोह सांस्कृतिक महत्व रखता है और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान समाज के लोग एकजुट होकर सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। साथ ही यादव समाज के वरिष्ठों के अनुसार इस परंपरा का पालन वर्षों से होता आ रहा है और इसे समाज के शुभ कार्यों की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। बता दें, टेसू और झिंझिया की शादी के बाद ही समाज में अन्य शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत की जाती है। यह परंपरा समाज में एकजुटता और सामूहिकता का प्रतीक है, जिसे आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ निभाया जाता है। समारोह में समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेते हैं और इस अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलाबाई। कलाबाई, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? तलैया मोहल्ला, शास्त्री बाग। कहाँ? बैतूल। हाँ, बैतूल। अच्छा, जो आप ये कार्यक्रम मना रहे, क्या है वो कार्यक्रम? ये हमारा कुल खानदान से पुरखों से चली आई है। अच्छा। जिसके घर लड़की हो नहीं हो, तो इसकी शादी हम करते हैं टेसू की, और इसको ले जाते हैं वहाँ मेड़े पे, वहाँ उसको मार के आते हैं, फिर सब लोग खाना खाते हैं। आप शुरू में बताएं।